चार पांच महीने पहले मोदी जी महोदय मेरे सपने में आए थे। अच्छा। और मुझे बोले थे कि तुम और किसी से शादी नहीं कर सकती, मेरे से ही करेगी। सुना तो होगा ही आपने, नामुमकिन कुछ भी नहीं। मोदी जी के प्रेम में पागल यहाँ पे लग अनशन पर बैठी हुई हैं। आपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे इनकी तस्वीरें तो देख ली होंगी, लेकिन नथिंग इम्पॉसिबल आज आपको बिल्कुल इनके मन की बात इनकी ज़ुबानी सुनाना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि आखिर इनके दिल के अंदर क्या है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, तो इस बात को हम कैसे मान लें कि ये नामुमकिन है, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मुमकिन सब कुछ हो सकता है, हर चीज़ मुमकिन है दुनिया के अंदर अगर इंसान ठान ले। क्या शुभ नाम है आप? मेरा नाम ओम शांति शर्मा है। शांति जी, आपके बहुत सारे वीडियो हैं जो लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, बहुत समस्या में हैं और यहाँ पे आप धरने पे बैठे हैं। ये जो मोदी जी के लिए प्रेम है, मोदी जी के लिए जो प्रेम आया है वो आपके मन में कैसे आया? क्या चीज़ अच्छी लगी मोदी जी की जिससे आपके मन में प्रेम आया? देखिए, मैं क्या हूँ, भगवान की तपस्या करती हूँ और जयपुर में हमेशा तपस्या करती हूँ और मेरा नाम ओम शांति है। मैं यही इसको शिव का धनुष समझती हूँ और मैं बचपन से शिव जी की पूजा करती हूँ। मोदी जी के लिए मन में कैसे प्रेम आया आपके? मेरे को चार पांच महीने पहले मोदी जी महोदय मेरे सपने में आए थे। अच्छा। और मुझे बोले थे कि तुम और किसी से शादी नहीं कर सकती, मेरे से ही करेगी। तो मैंने तब से ही मोदी जी को श्री राम भगवान मानने लगाई और पति मानने लगाई। देखिए, जैसा कि अब से पहले कई बार आया, लोगों के सपने में कई चीज़ आई और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने सिर्फ एक इंसान के सपने के लिए खुदाई शुरू कर दी कि वहाँ पे बहुत सारी धन दौलत और सोना जमा है, सिर्फ एक सपने के ऊपर। लगभग आज से एक साल पहले की यह घटना है, तो वहीं ओम शांति जी के सपने में भी मोदी जी आए। ये दो सपनों की बात अलग कैसे हो सकती है? वो सपना लोगों ने और सरकार ने सच माना, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर खुदाई करी गई लेकिन वहाँ पे कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन ओम शांति जी हमारे साथ हैं, इन्होंने भी सपना देखा और क्या क्या कहा मोदी जी ने सपने के अंदर? देखिए, पांचों आंगली बराबर नहीं होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, तो सारे सपने तो किसी के एक नहीं होते हैं। हमारा सपना हमेशा सच होता है और हम इससे पहले कितने सपने सच हुए आपके? जो सपना देखती हूँ मैं, वही मेरे सच होता है। और मैं कल क्या करूँगी ये भी देख लेती हूँ। कल क्या करने वाले हैं? वो मुझे भगवान बता देते हैं। नहीं तो कल जो सपना देखा था आपने, वो क्या देखा था? अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं देख रही हूँ कि अभी कुछ हो रहा नहीं है, तो मैं इसलिए कुछ अच्छा, मतलब कोई सपना देख नहीं रहा है आजकल। लेकिन ये मोदी जी का जो सपना आया और अभी चार दिन पहले करवा चौथ भी निकला है, तो आपने क्या देखा? करवा चौथ के रोज मैंने सपना देखा था, मैं लाल चुंडी पहन रखी थी और भगवान की पूजा कर रही थी। अच्छा, तो आपने जो चांद में, अच्छा जी, मोदी जी का दर्शन की, उसके बाद आपने अन वगैरह ग्रहण किया या नहीं? नो, मेरे तो अनशन चल रहा है ना। अनशन चल रहा है, लेकिन करवा चौथ का व्रत होता है तो कुछ खाया जाता है, अपने पति के हाथ से कुछ खाया जाता है, तो आपकी क्या मंशा है? लेकिन हमारी तो इच्छा थी, लेकिन अब क्या करें, हैं हमारे पति थे मोदी जी आए नहीं। तो और क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मन में है, कहाँ से ये मतलब आपको लगा कि आपको मोदी जी से शादी करनी है? क्या समस्याएं आई आपके जीवन में जो आपने ये सपना देखने के बाद में मोदी जी से शादी करने का मन बनाया? देखिए, शास्त्र में लिखा है कि बड़ों की सेवा करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हम मोदी जी महोदय बड़े हैं, तो हमारी इच्छा है कि हम सेवा करें। और देखिए, सेवा जब भी हो सकती है कि एक पत्नी बन के ही सेवा कर सकते हैं, उससे मोक्ष होती है। ऐसे तो मोदी जी महोदय की जान को खतरा है, हर कोई देखता है कि इनके कोई बोलने वाला ही नहीं है। अच्छा, इनके पीछे कोई नहीं है, आपका कहना ये? जी, तो शादी होने से सब खतरा दूर हो जाएंगे। ये पंडित जी ने बताया किसी? पंडित जी नहीं, ये गीता जी में लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो मोदी जी की तो पहले से ही शादी हो चुकी है, वो शादीशुदा हैं? हाँ, शादीशुदा है, लेकिन हम बड़ों के बारे में सवाल जवाब नहीं करते हैं। हम केवल, हमारा छोटा सा कर्तव्य है कि
कि हम छोटे हैं तो हमें केवल सेवा करना हमारा धर्म है। नहीं तो सेवा के लिए शादी करने की क्या जरूरत है? सेवा तो वैसे भी कर सकते। देखिए शादी के बिना मोक्ष नहीं होती है। मोदी जी की महोदय को ऐसी जान को खतरा हो जाता है। नहीं मोदी जी की तो शादी हुई हुई है ना पहले से ही। हाँ शादी हुई हुई है, मेरी भी तो शादी हुई हुई है, लेकिन मैं 27 साल से मायके में हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे पे क्या गुजर रही है। क्या क्या वजह रही जो आज आप अपने पति के साथ नहीं? यही वजह है कि ये गांव की है, दहेज नहीं लेके आई। अच्छा दहेज के लिए आपको घर से अलग कर दिया गया है? जी दहेज के लिए, और पुलिस जाके मेरे को ससुराल से उठा के ले आई और थाने में आके वो लोग मना कर दिए कि हम इसको नहीं ले जाएंगे। तो इसमें मेरी क्या गलती? तो क्या आपका जिसे कहते हैं डिवोर्स हो चुका है जो आपके पहले पति थे उनसे? जी हो गया। हो गया है, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। तो आप मोदी जी को क्यों अप्रोच कर रहे हैं कि मोदी जी शादी करें? उनकी तो शादी है ऑलरेडी। क्योंकि सेवा की सबको जरूरत पड़ती है। अभी तो मोदी अकेले हैं, उनकी तो अब वो पूरा देश उनके साथ है। मोदी जी के साथ तो पूरा देश है। देश कहाँ है, सब हर कोई बेइज्जती करते हैं, ये मीडिया वाले सब बेइज्जती करते हैं। हम भी देखिए हम भी मीडिया ही वाले हैं, हमने तो ऐसा नहीं कर, लेकिन हम आपके पास में आए इस बात को सुन के। आप मीडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि एक आम आदमी 5-5 शादी कर सकते हैं तो मोदी क्यों नहीं कर सकते हैं? बार बार में वो उसी को क्यों दोहराते हैं कि उनकी शादी हो गई, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए जो हिंदू माइथोलॉजी है, हिंदू धर्म के हिसाब से, मैं हिंदुओं की बात कर रही हूँ, हिंदू 2-2, 3-3 शादी करके बैठे हुए हैं, मैं बता दूँ। नहीं वो तो कैसे कर सकते हैं, जब तक वो पहली पत्नी को डिवोर्स नहीं देंगे लीगल कुछ कानूनी तौर से, जब तक दूसरी शादी तो कर ही नहीं सकते। देखिए राजा जी है, वे कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि वो डिवोर्स नहीं दे सकते, वो तलाक नहीं दिए? राजा जी के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता है। नहीं देखिए ये जो हमारे देश की विडंबना है कि अगर राजा जी जो भी चाहें वो कर सकते हैं, क्या आप ये मानते हैं जो कानून होता है हमारे देश का वो राजा से ऊपर होता है क्या? क्योंकि कानून तो सबका एक जैसा होता है, कानून सब लोगों पर लागू होता है, तो अभी कैसे मान सकते हैं कि कानून से ऊपर कोई हो सकता है? देखिए कानून में सबके फैमिली है, महात्मा गांधी जी फैमिली वाले थे, श्रीमती इंदिरा गांधी फैमिली वाली थी, सोनिया गांधी फैमिली वाली है, और सब फैमिली वाले आ रहे हैं, और जितने भी नेता है भाजपा के कांग्रेस के सब फैमिली वाले, ऐसे कौन से जो बना फैमिली वाले हैं? आप ऐसे कैसे बोलते हो कि वो राजनीतिक में ऐसा कानून नहीं है? नहीं नहीं कानून है, लेकिन कानून क्या किसी इंसान से ऊपर हो सकता है? देखिए बात सवाल होता है, अगर कोई गलती करता है तो उसको भरना पड़ता है। नहीं अब कल मेरे को एक लड़का बोल रहा था कि वो मोदी जी महोदय को खुद यशोदा बहन छोड़ के गई है। अच्छा हाँ तो मेरे को शाम की बोल रहा था वो कि वो खुद और मैं यहाँ पे नॉर्थ बिल्डिंग में नौकरी करता हूँ। नहीं लेकिन उसके आधार पे हमारे देश के अंदर कानून है, जैसे अगर आपको यहाँ पे बैठना है तो आपको यहाँ पे जो पार्लियामेंट सीट है उसने एक पेपर पे लिख के दिया होगा, कागजात होते हैं कि जी आपके पास एक अथॉरिटी है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, है ना, आपको परमिशन है। तो ऐसे ही हमारे जो देश के अंदर है, जब दो लोग अलग होते हैं, डिवोर्स होती है, तो कोर्ट के अंदर पेपर बनते हैं, कागजात होते हैं, तो वो तो अभी नहीं होंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी है और राजा जी भी है और वह श्री राम भी है। जब श्री राम ने इतने असुरों को मारे थे, रावण को मारे थे, क्या राम को जेल भेजा गया था? देखो ईमानदारी क्या है, बेईमानी क्या है, उनको अलग अलग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई लेडीज होती है अपने पति को मार देती है, कोई पति अपनी पत्नी को मार देता है, तो ये न्याय, अगर न्याय की बात होनी चाहिए, औरत के लिए पति परमेश्वर होता है। अच्छा जो औरतों के ऊपर अन्याय हो रहा है आजकल, जो महिलाओं के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं आजकल, जैसे आपके ऊपर भी हुआ, इस बारे में क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो हमारे, मैंने किसी को भी कोई सजा नहीं देती हूँ, केवल हम बड़ों की सेवा करते हैं। नहीं जैसे और महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आपके, महिलाओं पे अत्याचार कम होना चाहिए? देखिए जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार से फल मिलता है। अब हजारों करोड़ों औरतें हैं, और जब भगवान से कोई बड़ा नहीं है, अब हमारे को बहुत मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ईमानदारी पे चलते हैं, सबका कहना मानते हैं, तो हम नहीं मर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं मोदी जी महोदय की हिफाजत करूँगी,
और इस वक्त मोदी जी अगर आपको देख रहे हैं तो मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आपको? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी मोदी मेरे से शादी करने की कृपा करें, मैं श्री राम समझते हूँ और मैं अनशन पे चल रही हूँ तो मेरे पे दया करना चाहिए जी। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा यही है कि भ्रष्टाचार मिटे, सब औरतों का जो सब पे अन्याय हो रहा है सबको इंसाफ मिलेगा, शादी होने से सबको इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा कि मोदी जी मोदी शादी कर रहे हैं, अपन भी करो, युवा लड़का जो बिना शादी बैठे हुए वो भी शादी करेंगे और औरतें भी शादी करेगी, अरे बोलते ये कर लिए तो हम भी करेंगे, तो इसलिए अच्छा प्रभाव पड़ेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।